नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, वॉर के टीजर और ट्रेलर में ऋतिक ने अपने हॉट और डैशिंग अवतार से फैंस को ऑलरेडी घायल कर दिया है। और दोस्तों, वॉर के ट्रेलर में ऋतिक की हर एक चीज, चाहे वो ऋतिक का स्टाइल हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या फिर उनके एक्शन सीन्स हो, सब कुछ एकदम टॉप क्लास है। वही दोस्तों, कुछ दिनों पहले वॉर से ऋतिक का घुंघरू सॉन्ग रिलीज किया गया। और दोस्तों, ऋतिक का कोई गाना हो और उसमें कोई स्पेशल डांसिंग मूव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, वॉर के घुंघरू सॉन्ग में भी ऋतिक रोशन का एक सिग्नेचर स्टेप है, जो कि फिलहाल भारत के साथ ही दुनिया भर में छाया हुआ है। और दोस्तों, इसकी सबसे मजेदार बात तो ये है कि ऋतिक ने इस हुक स्टेप को काफी ज्यादा स्मूथली और एफर्टलेसली परफॉर्म किया है। वही दोस्तों, हाल ही में टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में जब ऋतिक से इस हुक स्टेप को लेकर सवाल किया गया, तो यहाँ ऋतिक ने जवाब देते हुए कहा कि घुंघरू का सिग्नेचर स्टेप मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। दोस्तों, यहाँ ऋतिक ने बताया कि आप जिस काम को सबसे आसान समझते हैं, वही काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसे करने के लिए आप प्रयास ही नहीं करते। और इसी के चलते इस सरल डांस स्टेप्स को करने में सबसे अधिक मुश्किलें आई, लेकिन मुझे इस डांस स्टेप को परफॉर्म करने में बहुत मजा भी आया। दोस्तों, यहाँ ऋतिक का कहना था, इज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अचीव इन डांस when the step actually requires a lot of effort। यानी दोस्तों, ऋतिक के हिसाब से घुंघरू सॉन्ग का हुक स्टेप उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप था, जिसे उन्होंने काफी एफर्टलेसली परफॉर्म किया। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप ऋतिक के इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।